हमारे साथ है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के सचिव और दिल्ली इंटरनेशनल टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता श्री भारत सिंह चौहान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है चेस बेस इंडिया में। सर 18वां संस्करण है ये, कैसा महसूस हो रहा है आपका? बहुत अच्छा है और रिस्पांस जो प्लेयर्स का है बहुत बढ़िया है। आज तक का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। 37 ग्रैंड मास्टर्स हैं, 34 कंट्रीज के प्लेयर्स खेल रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट है लेके अच्छे गेम्स के लिए। सर भारतीय शतरंज को अगर हम देखें पिछले 18 सालों में तो काफ़ी कुछ बदला है। अब हमारे पास 66वां ग्रैंड मास्टर भी होने वाले हैं जल्दी। दिल्ली टूर्नामेंट ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इसमें, तो इस पूरे जो दौर रहा है इस भारतीय शतरंज का, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं समझता हूँ जो 18 साल पहले था वो आज नहीं हो सकता है और हमें और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा करना है। 18 साल पहले मैं समझता हूँ कंडीशन ठीक नहीं थी, देश की हालत ठीक नहीं थी, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग थी, लेकिन अब चेस के लिए बहुत लोग सोचते हैं, पॉपुलर है और बहुत लोग चेस को एज ए कैरियर अडॉप्ट कर रहे हैं। और दिल्ली में ये जो टूर्नामेंट है 1,11,00,000 प्राइज मनी, वो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा प्राइज मनी है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए हिंदुस्तान में। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है और हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे हेस्टिंग्स है, आज भी बोलते हैं लोग हेस्टिंग्स टूर्नामेंट 1881 से चल रहा है, तो मैं समझता हूँ आगे आने वाली दिनों में, डिकेट्स में ये बोला जाएगा कि दिल्ली इंटरनेशनल भी इतने दिन से चल रहा है। पिछले बार विश्व शतरंज संघ ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट घोषित किया था, तो आपने बहुत छोटे से शुरुआत की थी इस टूर्नामेंट की, तो कैसा फील होता है उस बात को लेकर के? बहुत अच्छा लगता है कि जब इतने सारे खिलाड़ी खेलते हैं और हर सेक्शन के लोग खेलते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। मजदूर भी खेलते हैं, बड़े बड़े लोग भी खेलते हैं, IAS ऑफिसर, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, सब लोग खेलते हैं, तो एक बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है, एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि यहाँ पर हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें सब लोग खेल सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ हैं तो भारतीय शतरंज की बात करना, भारतीय शतरंज संघ की बात करना भी ज़रूरी है। क्या लक्ष्य हैं आपको भारत को लेकर के आने वाले समय में भारत सिंह चौहान जी के? देखिए मैं समझता हूँ हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें कई चीज़ें जो मैं समझता हूँ इमीडिएटली शुरू करनी चाहिए। जैसे चेस लीग है, इंडिया में एक चेस लीग होनी चाहिए, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में चेस लीग है। दूसरा बड़े हाई लेवल टूर्नामेंट्स जिसमें जैसा अभी कोलकाता में हुआ एक टूर्नामेंट चेस टूर के अंडर, ऐसे हमें कई टूर्नामेंट्स इंडिया में लेके आने हैं। बाकी बहुत सारी जगहों पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और इंडियन पॉपुलेशन को देखते हुए हमें और नंबर्स बढ़ाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये संस्करण भी हमेशा की तरह सफलतापूर्वक संपन्न होगा और इस दौरान भी हम आपसे और भेंट कर पाएंगे। थैंक यू।